ignorant niggas that's trying to miss what I said, huh? Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, throw a red death on him. I'm the general, I gon' be worth something. My soldiers is ready to put a black house on him. Bring him to the wake, break him with a requiem and throw him in the pit and throw a little bit of dirt on him. Dirt on him, throw a little dirt on him. Trigger fingers in the air, put a little work on him. Work on him, put a little. So hello guys, welcome to my channel Super Words. So guys, Justice League Snyder Cut के लिए हम DC fans बहुत ज़्यादा excited हैं, लेकिन जो इस movie को direct कर रहा है उससे related काफ़ी सारे fans के mind में question है, और वो question ये है कि क्या सच में Zack Snyder Justice League Snyder Cut के बाद DCU छोड़ रहे हैं? और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुनने में थोड़ा बुरा भी ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि Zack Snyder जस्टिस लीग स्नाइडर कट के बाद DCU छोड़ रहे हैं, और उनका कहना ये है कि उन्हें DCU के अलावा भी अदर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्होंने 2017 की जस्टिस लीग डायरेक्ट की होती तो उनके पास DC की अपकमिंग मूवीज़ से रिलेटेड भी प्लान था, लेकिन 2017 की जस्टिस लीग फ्लॉप होने की वजह से उन मूवीज़ को कैंसिल कर दिया गया, और उनमें से दो मूवीज़ थी जस्टिस लीग 2 और जस्टिस लीग 3। और अगर ये मूवीज़ बन जाती और जस्टिस लीग 2017 की अगर हिट हो जाती तो Zack Snyder के पास और भी प्लान्स थे और वो अदर मूवीज़ को भी डायरेक्ट करते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उन्हें अपने अदर प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। वैसे तो एक तरह से सही भी है, क्योंकि Zack Snyder 2013 की जस्टिस लीग से ही DCU की मूवीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे रूमर्स तो ये भी आए हैं कि Zack Snyder मार्वल के मूवीज़ को डायरेक्ट करेंगे, पर फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।